बहुत अच्छा लिखा है तुमने अहिल्या। वाह, एकदम स्पष्ट और सही। और तारीफ की बात यह कि तुमने तो बिना श्री को देखे ही श्री लिख दिया। इसे कहते हैं तल्लीनता और लगन। शाबाश। अब श्री से आगे बढ़कर तुम्हारे पहले पाठ पर आते हैं, ठीक है? सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो छोटी सुनबाई को पहला पाठ मैं पढ़ाऊंगा। मैंने निश्चय कर लिया है, छोटी सुनबाई को विद्या का दान देने से मना करके मां सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहने के लायक भी नहीं रहूंगा मैं। अपनी अज्ञानता पर मुझे खेद है, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। कोई बात नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं। अपनी भूल को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। अब संभालिए अपने दोनों विद्यार्थियों को, वैसे भी जिसका काम उसी को साजे। आप दोनों भी गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अब आप लोग अपने आसन पर विराजिए। आज छोटी सुनबाई का पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले हम मां सरस्वती की प्रार्थना सीखेंगे और वहीं से शिक्षा का प्रारंभ करेंगे। मैं मां सरस्वती की वंदना गाऊंगा और आप दोनों एक साथ उसे दोहराएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार वदना, या शुभ्र वस्त्रामृता, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या शुभ्र वस्त्रामृता। छोटे सरकार, आराम से धीरे धीरे बोलिए, छोटी सुनबाई के साथ। छोटी सुनबाई पहली बार प्रार्थना कर रही है ना, संस्कृत के शब्द उन्हें कठिन लग रहे होंगे। कठिन तो हमारे लिए भी है गुरुजी। अब आप उससे कहिए ना कि वो हमारे साथ बोले, रुक रुक कर बोलने की क्या जरूरत है। पढ़ना है तो संस्कृत तो आनी चाहिए ना। ठीक है, आगे का पाठ करते हैं। या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेद पद्मासना, या वीणा वर दंड मंडित करा, वर दंड, या श्वेद पद्मासना, या श्वेता पद, हाँ, पद्मासना। सरकार, आपके आदेश अनुसार निजाम की सेना के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर दी गई है। हर सीमा पे सैनिकों की टुकड़ियां तैनात हैं। हमें वाड़े की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी। तो खुशी, अभी हाल ही के अनुभव को देखते हुए उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जी
जी सरकार। क्या बात है गंगोबा, वहां क्यों खड़े हैं आप? कुछ कहना है आपको? जी सरकार, जो लोग आपसे मिलने आए थे उन सभी से बाद में मैंने भी बात की, सब लोग नाखुश है सरकार। वैसे भी बाहरी दुश्मन की वजह से हम लोग बहुत चिंतित हैं, ऊपर से अपने ही प्रांत में विरोधियों को जन्म देना और फिर सरकार ये विरोध यदि विद्रोह में बदल गया तो। सरकार, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, मेरी आपसे विनती है एक बार फिर से सोचिए सरकार, ऐसे नाजुक समय में इस तरीके का जोखिम मोल लेना क्या ठीक होगा? आपका मतलब विरोध और विद्रोह के डर से हम अपने कदम पीछे हटा लें, नैतिकता और धर्म को तिलांजलि दे दें, प्रजा की भलाई के लिए एक शासक होने के नाते हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं गंगोबा। भले ही हमारे फैसले में अभी किसी को कोई भला दिखाई ना दे, पर हम तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और राजधर्म भी यही कहता है, नियत साफ रखो और कर्म करते जाओ, एक न एक दिन उसके परिणाम से सबका भला होगा। हम करके रहेंगे जो हमें करना है, कदम आगे बढ़ाकर पांव पीछे खींच लेना हमारी आदत नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.